हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं ये यम्मी सा दिखने वाला ओरियो चॉकलेट ट्रफल केक। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कर लेनी है यहाँ पे कढ़ाई को प्री हीट। तो मैं यहाँ पे ओवन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई में एक कटोरी नमक डाल देना है और उसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो आप यहाँ पे बिना नमक भी इसे कर सकते हैं प्री हीट, लेकिन ये ज़्यादा इजी रहता है और जो केक है वो काफ़ी अच्छे से बेक भी होता है। तो मैं यहाँ पे इस टाइप का कोई भी स्टैंड ले सकते हैं आप, या फिर कोई भी कटोरी ले सकते हैं, और इसे हमें कवर कर कर प्री हीट करना है। जब तक हमारी कढ़ाई प्री हीट हो रही है तो हम केक टिन भी तैयार कर लेते हैं। तो केक टिन तैयार करने के लिए मैंने इसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है और मैं यहाँ पे बटर पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मैदे की डस्टिंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल ना हो। तो मैंने बेस पे तो लगा दिया और मैं साइड में भी बटर पेपर लगा रही हूँ ताकि जो हमारा केक है वो इजीली बाहर निकले और साइड में चिपके ना। तो हमारा केक टिन भी तैयार है। तो अब हम बैटर तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 बिस्किट लिए ओरियो के और ये लगभग 250 ग्राम है। तो यहाँ पे 50 ग्राम का एक बिस्किट का पैकेट है। तो हमें 250 ग्राम जो है बिस्किट ले लेने, यानी कि 250 ग्राम हमें यहाँ पे बिस्किट चाहिए ओरियो के। तो ये वेनिला फ्लेवर है, यानी कि जो इनकी क्रीम्स हैं वो वेनिला फ्लेवर की। आप चॉकलेट फ्लेवर भी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी। तो मैंने यहाँ पे सारे जो बिस्किट है वो निकाल लिए हैं और अब हमें जो क्रीम्स है वो अलग कर लेनी है। क्रीम को अलग करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर सा होता है जो हमारे केक को ज़्यादा फ्लफी नहीं बनाता है। तो इसलिए क्रीम को हमें अलग कर लेना है। तो ये लीजिए, क्रीम हमारी अलग हो चुकी है। तो अब हम बिस्किट का पाउडर तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल फाइन पाउडर हमें तैयार करना है। तो हम इन्हें डायरेक्ट ही मिक्सी में पीस लेंगे और उसी में ही हमें जो हमारे शुगर पाउडर है या हम शुगर डालेंगे वो भी हमें मिक्सी में ही डाल के पीस लेना है साथ के साथ। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी पर इसे अच्छे से सेट कर लिया है और इसे एक या दो बार में अच्छे से बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। आप चाहें तो इसे पीसने के बाद छान भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे नहीं छान रही हूँ क्योंकि मैंने बिल्कुल फाइन इसे पीस लिया है। अगर आप चाहें तो इसे छान सकते हैं अगर आपको लगे कि इसके अंदर कोई भी बिस्किट बड़ा रह गया हो या बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार ना हुआ हो तो आप छान लीजिएगा। तो लीजिए, जो बिस्किट का पाउडर है वो बिल्कुल फाइन तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं शुगर पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे बिना पिसी हुई भी चीनी डाल सकते हैं क्योंकि जब हम इसे मिक्सी में चलाएंगे तो वह एकदम बारीक हो जाएगी। तो अब हमें इसे एक बार फिर से मिक्सी में चला लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये लीजिए, हमारे जो बैटर बनने के लिए बिस्किट का पाउडर तैयार है। तो इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देख कितने बढ़िया से हमारे जो चीनी और बिस्किट का पाउडर है वो मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसका बैटर तैयार करते हैं। तो मैं यहाँ पे थर्ड इंग्रेडिएंट ले रही हूँ जो कि है मिल्क। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका बिल्कुल पतला बैटर बनाना है, यानी कि ऐसी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है कि वो फ्लो में हो, बीच में ऐसे टाइट ना हो, ताकि जो केक है वो फ्लफ़ी बने। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए और ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है केक के लिए और इसमें ही काफ़ी बढ़िया और फ्लफ़ी केक तैयार होता है। और मैं यहाँ पे एक पैकेट इनो ले रही हूँ, ये लेमन फ्लेवर वाला है। आप कोई भी फ्लेवर का जो आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। तो एक पैकेट हमें 250 ग्राम में डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखिएगा, इनो डालने के बाद हमें ज़्यादा विस्क नहीं करना है बैटर को। तो ये देखिए, मैंने स्पैचुला से जो भी साइड में बैटर लगा हुआ था वो इकट्ठा कर लिया है और अब हम इसे जल्दी से केक टिन में डाल देंगे क्योंकि जो हमारा इनो है वो जल्दी रिएक्ट हो जाता है और वो जल्दी उड़ जाता है, यानी कि वो फिर बेक नहीं कर पाता अच्छे से, केक को फ्लफ़ी नहीं बना पाता। तो इसीलिए मैंने जो कढ़ाई है वो पहले ही प्री हीट कर ली थी। तो कढ़ाई भी हमारी साथ के साथ प्री हीट हो चुकी है और फ्लेम को मीडियम रखिएगा ताकि जो कढ़ाई है वो ज़्यादा जल्दी गर्म ना हो। तो अब हमारी कढ़ाई प्री हीट हो चुकी है, तो इसे हमें बेक कर लेना है 40 मिनट तक। तो 40 मिनट हो चुके हैं और हमारा केक जो है वो काफ़ी बढ़िया बेक हो चुका है और फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम रखना है। तो मैंने यहाँ पे 40 मिनट में मीडियम फ्लेम पे जो हमारा केक है वो अच्छे से बेक कर लिया है। आप इसे बीच में भी चेक कर सकते हैं अगर आपको लगे कि बेक
हो चुका है केक, लेकिन उसके अंदर अगर आप नाइफ़ चेक करेंगे तो वो अगर क्लीन निकलेगा तभी हमारा केक अच्छे से बेक हुआ होगा। तो केक को मैंने एक ऐसे स्टैंड पे रख दिया और फिर हम इस पे कोई भी कॉटन का गीला कपड़ा रख देंगे ताकि जो हमारा केक है वो ऊपर से हार्ड ना हो। तो हमारा केक जो है वो अब ठंडा हो रहा है, तब तक हम गार्निश तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डार्क कंपाउंड ले लिए हैं, इससे काफ़ी बढ़िया हमारा जो गार्निश है वो तैयार हो जाएगा जो ट्रफल केक में हम डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे डार्क कंपाउंड के 3 पीसेज लिए हैं क्योंकि हम इसे डेकोरेट भी करेंगे और क्रीम को लगानी भी है केक के अंदर, तो इसलिए हमें 3 पीस ले लेने हैं और इन्हें हमें पहले कट कर लेने ताकि जब इन्हें मेल्ट करें तो वो इजीली और जल्दी मेल्ट हो जाए, तो इसे ऐसे चॉप कर लेंगे। तो लीजिए हमारे जो डार्क कंपाउंड है वो चॉप हो चुकी है, तो अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर डबल बॉल ग्लास बाउल ले रही हूँ, या फिर आप माइक्रोवेव बाउल ले लीजिएगा या फिर कोई भी स्टील की कटोरी या बर्तन ले सकते हैं आप। और इसे हमें गर्म पानी के ऊपर रख लेना है, यानी कि एक हमें पहले ही पानी को गर्म कर लेना है और फिर हमें जो कांच का बर्तन है वो रख कर और फ्लेम को हमें बिल्कुल लो कर लेना है और इसे ऐसे चलाते हुए मिक्स करते हुए पिघला लेना है। और फिर हम इसमें डाल देंगे अमूल फ्रेश क्रीम, इससे जो गार्निश है वो काफ़ी टेस्टी बनता है और जो हमारी चॉकलेट है वो जल्दी से जमती नहीं है, यानी कि जो कंसिस्टेंसी है वो टाइट नहीं होती। तो लीजिए हमारा गार्निश तैयार है, तो अब हम केक के पास चलते हैं। तो ये लीजिए हमारा जो केक है वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है और इसके ऊपर का क्रस्ट भी जो है वो ज़्यादा टाइट नहीं हुआ, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नाइफ़ लिया और उसे हमें चारों तरफ यानी कि साइड्स में ऐसे अच्छे से लगा लेना है ताकि जो हमारा केक है वो ईज़िली बाहर आ जाए। तो पहले ही मैंने यहाँ पे बटर पेपर लगा रखा था, वैसे तो ये ईज़िली निकल ही जाएगा, लेकिन अगर आपने बटर पेपर नहीं लगा रखा तो आप एक बार ऐसे नाइफ़ ज़रूर लगा लीजिएगा और इससे हमें बेस पे एक दो बार प्रेस करना है ताकि वो ईज़िली निकल जाए। और अब जो बटर पेपर है वो ध्यान से निकालिएगा। केक को ठंडा करने के बाद जो हमारा बटर पेपर भी है वो ईज़िली निकल जाता है, नहीं तो गरम गरम केक में जब हम बटर पेपर निकालते हैं तो वो उसी को चिपक जाता है और केक हमारा टूट जाता है, तो इसलिए इसे ठंडा करना बहुत ही ज़रूरी है। साइड में जो हमने बटर पेपर लगाया था वो भी हमें निकाल देना है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी जो हमारा केक है वो बेक होकर तैयार हुआ है और वो भी इनों में, और बेकरी स्टाइल जो हमारा केक है वो तो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। तो हमें टर्न टेबल पे अब गार्निशर लगा देना जो हमने चॉकलेट और अमूल फ्रेश क्रीम का तैयार करा था, और फिर हमें जो चॉकलेट केक है वो हमारा रख देना और उसे हमें नाइफ़ से बीच में से 2 लेयर में कट कर लेना है। आप चाहे तो इसे 3 लेयर में भी कट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये टर्न टेबल की वीडियो चाहिए तो आप ये वीडियो मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारा जो केक है वो इजीली 2 लेयर में कट हो चुका है। और अब हमें यहाँ पे लगा देना शुगर सिरप। तो शुगर सिरप बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 से 3 स्पून जो है चीनी पाउडर चाहिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो हमारा शुगर सिरप जो है वो तैयार हो जाएगा। और वो अच्छे से लगाने के बाद हमें यहाँ पर डालना है चॉकलेट गार्निशर जो कि हमने तैयार करा था, तो वो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना भी डालना चाहे। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 स्पून जो है वो डाल दूँगी और उसे हम स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे केक के जो स्प्रेड करने वाले स्पैचुला आते हैं उसकी हेल्प लिया। आप चाहें तो जो बटर को स्प्रेड करने का नाइफ़ होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपल जो चम्मच होती है या नाइफ़ होता है उससे भी कर सकते हैं। और अब हम इस पर डाल देंगे चोको चिप्स जिससे कि ये टेस्टी लगे। और अब हम इस पर रख देंगे दूसरी लेयर और उस पर भी हमें सेम ही जो शुगर सिरप है सबसे पहले वो लगाना है ताकि जो हमारा चॉकलेट केक है वो मॉइस्ट रहे और जब हम इसे फ्रिज में भी रखें तो ये टाइट ना हो, क्योंकि जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये बिल्कुल टाइट हो जाता है जिससे टेस्टी नहीं बनता है। तब हम इस पर भी गार्निशर लगा देंगे। आप इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल सिंपल और यम्मी रेसिपी है और काफ़ी जल्दी बन जाती है। तो मैंने यहाँ पे जो
हमारा गार्निशर है वो अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। और मैं यहाँ पे ये ऐसा बोर्ड ले रही हूँ जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जो कि केक बोर्ड से भी आपको मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे केक इस पे ट्रांसफ़र कर लेना है। और डेकोरेटिंग के लिए मैंने चॉकलेट ट्रफल्स लिए हैं जिससे कि ये दिखने में काफ़ी बढ़िया लगे। और हम इसे और भी डेकोरेटिव बनाने के लिए चोको चिप्स को कॉर्नर्स पे लगा देंगे। आप इसे अपने हिसाब से या फिर अपने मर्जी से भी डेकोरेट कर सकते हैं जिस डिज़ाइन में आप इसे चाहें, या फिर आप सिर्फ ओरियो बिस्किट लगा दीजिएगा उससे भी ये काफ़ी बढ़िया लगेंगे। तो ये लीजिए हमारा ओरियो चॉकलेट ट्रफल केक जो है वो एकदम तैयार है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल करना ना भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।